वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप भगवान कुबेर जी के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है एक बहुत ही बड़ा बदलाव। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, 5 बड़े वरदान मिलेंगे। जी हां, बता दें, अब भगवान कुबेर जी के आशीर्वाद से आपको 5 बड़े वरदान मिलेंगे। जी हां, जिससे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। दोस्तों, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी सुनकर आपको बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब आपके लिए शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, भगवान कुबेर जी की लीला अपरंपार है, उनका खेल एकदम निराला है, क्योंकि भगवान कुबेर जी जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, खुशियों से पूरा जीवन भर देते हैं, धन दौलत से पूरा घर बारिश होने लगते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़े परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। जी हां, शायद भगवान कुबेर जी का यही मर्जी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, क्योंकि यह खुशखबरी बहुत ही पहले आपके जीवन में आने वाला था, लेकिन कुछ कारण से आपकी जिंदगी में नहीं आ पा रहा था। लेकिन वह कारण अब आपकी जिंदगी से दूर हो गया है। खुशियां सीधे सीधे आपके जीवन में, आपके आंगन में आएगी और आपको मालामाल कर देगा। जी हां, क्योंकि आज आपके जीवन में 2 बड़ी घटना होगी, और इस घटना के बारे में आज की इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आप भी एकदम से सच में पड़ जाओगे। जिस घटना का आपको कई वर्षों से इंतजार था, वही घटना अब आपकी जिंदगी में होगा, जिससे आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी, क्योंकि भगवान कुबेर जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन काल में लाखों की संपत्ति मिलेगी। जी हां, लेकिन कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, कौन सी गलती करने आपको बचाना है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी भगवान कुबेर जी के सच्चे भक्त हैं, उनको आप सच्चे दिल से मानते हैं, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करके नीचे अपने इन प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज, जय कुबेर महाराज लिखते ही आपकी गरीबी दूर होने लगेगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे के बाद जो बदलाव आप सभी के जीवन काल में लेकर आ रहे हैं, देखकर आप एकदम से चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जो वीडियो को अंत तक देख लेगा वही इसका लाभ उठा पाएगा, बाकी सब पछताते रह जाएगा। जी हां दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दीजिए और एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। अब और क्या चाहते हो, क्योंकि दोस्तों ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे बन रहे हैं जो कि दोस्तों मां लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने वाले हैं, आपके भी घर महालक्ष्मी दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो कि दोस्तों आपके आने वाले जीवन काल के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, इसलिए हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपकी ही भलाई है, आपका ही लाभ होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आज आपका कैरियर बिजनेस कैसा चलेगा, आपके पारिवारिक माहौल, आपके निजी जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से परिवर्तन करने वाले हैं, किस तरह से मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर होने वाले हैं, कौन से कार्य को करने से आपको बचना चाहिए और कौन से कार्य अभी आपको करना चाहिए, सभी बातें कार्य से लेकर उपाय तक हमने आज किस वीडियो में बताया है। आप अपना थोड़ा सा समय निकालिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, कुछ विशेष सावधानियां बताएंगे, उपाय बताएंगे, तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसीलिए आपसे अनुरोध है अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छे ज्ञान से। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि निराश मत होना, जिंदगी से कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, क्योंकि कद्र हमेशा समय की होती है, लोग उसे गलती से अपना समझने की गलती करते हैं।
आई होप इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें, प्रेम से जय माता दी। आइए दोस्तों बात करते हैं। आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिन से जो कल्पनाएं कर रहे थे आज वे सच साबित हो सकती हैं। आप इस संबंध में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह सामान्य से कहीं अधिक आगे जाएगा। आपको इस संबंध को बनाए रखने के लिए जिंदगी को बेहतर बनाने के अन्य अवसरों को छोड़ना पड़ भी आ सकता है। आज आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो अपने दृष्टिकोण और मांग में काफी तेज होंगे, लेकिन अपने पेशेवर लाभ और अपनी कंपनी के प्रचार के लिए ये सब आपको झेलना और सहना पड़ सकता है। हालांकि आपके शांति और धैर्य को देखकर एक सफल विज्ञापन एजेंसी व्यापार के लिए आपसे संपर्क कर सकती है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको एक उन्नत पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। स्थितियां और घटनाएं इस प्रकार बदल लेंगे कि आपको पहले से सोच समझ कर लिया गया एक फैसला बदलना पड़ सकता है। आपको जीवन में आने वाली चीजों के प्रति अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा। आप अपने पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपना कार्यक्रम बदलना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित घटना के कारण आपके छोटी अवधि के लगभग सभी कार्य प्रभावित होंगे। हर रोज की एक्सरसाइज और सलाद खाकर आप परेशान हो चुके हैं। अब अपना पसंदीदा खाना खाकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। यह देखना न भूलें कि अगली सुबह आपको कैसा अनुभव होगा। इसका कड़वा अनुभव आपको अगली बार तैलीय खाना खाने के लालच से बचने में काफी मदद करेगा। आपको अपनी शारीरिक एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सकता है। सिंह प्यार और संबंध राशिफल। आप में से जो अकेले हैं वे अपने संबंध की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं। जो पहले से ही किसी के साथ समर्पित संबंध में बंध चुके हैं वे अपने रिश्ते का खोया हुआ रोमांस वापस पाने की कोशिश करेंगे। सभी चुनौतियों पर आपका साहस भारी पड़ रहेगा और आप किसी भी चीज से नहीं डरेंगे। काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यह आपका सकारात्मक पहलू है और इस सप्ताह के अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा। जोड़ तोड़ से बचें और जो भी करें ईमानदारी से करें। आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाय ज्यादा महत्व रखेगी। वफादारी स्वागत योग्य होगी जो किसी भी मुश्किल स्थिति से आपको बाहर निकल देगी। आपके आसपास आपका ध्यान और समय बांटने वाली बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं। छोटी मोटी बातों पर समय व्यर्थ ना करें, एकाग्र रहें, तभी आपको मुक्त ऊर्जा का प्रवाह अनुभव हो पाएगा। अगर आपको यह मिल गया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। घबराएं नहीं, ध्यान से समझकर समय रहते अवसर का लाभ उठाएं। सफलता की कुंजी प्राथमिकताएं तय करने से मिलेगी। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मौसे और कार्ड्स खेलना तय है। नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा। आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आप कुछ मिलनसार नए लोगों या विदेशी प्रतिनिधियों से आज के दिन मिल सकते हैं। स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ संवाद करें और जितनी उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके करें, क्योंकि यह आपकी परियोजना के पूरा होने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। किसी भी विचलित करने वाले परिदृश्य से परेशान न हो जो कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी ने आपके लिए बनाया हो। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आप धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी करने का मौका मिलेगा। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है।
प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आप ऊर्जावान रहने के कारण प्रत्येक कामों को करने में तत्पर रहेंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको यदि कोई तनाव लंबे समय से सता रहा था तो वह भी दूर होगा। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आप अपने बिजनेस को लेकर सतर्क रहें और किसी को पार्टनर न बनाएं, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामले में अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ रहेगा। आपका कोई पुरानी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद दूर होता दिख रहा है। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी संतान आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप सावधानी बरतें। आज का दिन रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधित मामला लंबे समय से चल रहा था तो वह भी दूर होता दिख रहा है। आपने यदि किसी को धन उधार दिया तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। आपका कोई पुराना विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आज का दिन आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने अनावश्यक खर्च पर पूरा ध्यान देना होगा। कोई संपत्ति संबंधित विवाद यदि लंबे समय से आपको घेरे हुए था तो वह भी दूर होगा। आपको किसी नए वाहन की खरीदारी की इच्छा पूरी हो सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परोपकार के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आप पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाएंगे। किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आप यदि काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपको किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मिल बैठकर व्यतीत करेंगे और उनकी पारिवारिक समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस को भी पूरा समय देना होगा, नहीं तो कोई नुकसान होने की संभावना है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बिजनेस में आप कोई लेन देन आंख मूंद कर ना करें, नहीं तो उसमें आपको धोखा मिलने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि परिवार में यदि किसी सदस्य को आप कोई सलाह देंगे तो वह आपकी बात पर अमल अवश्य करेंगे। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को उनके कामों से एक नई पहचान मिलेगी और उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आपके कुछ विरोधी परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आज का दिन व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको अपने बिजनेस में अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। आप अपने भविष्य को लेकर कुछ धन की योजनाएं बना सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को उनकी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपको यदि कुछ कामों को लेकर उलझन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप संतान को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे पूरा करेगी। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर कोई अनबन चल रही थी तो उसे भी आप बातचीत के जरिए दूर करेंगे और प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। संतान को किसी पुरस्कार के मिलने से माहौल खुशनुमा रहेगा और उनको किसी सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।
बड़ों के आशीर्वाद से आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। आज काफी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होगी, जिससे आपका सब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा। ज्यादा तनाव न पाले, बैठकर शांति से निर्णय के बारे में सोचे और उसके अनुसार कार्य करें। आज आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकर आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव रख सकता है, जिसको जानकर आप लालायित हो सकते हैं, परंतु सोच समझकर निर्णय लें। इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें। आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए हैं। आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। इनमें एंटी एजिंग मसाज से लेकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तक शामिल हो सकती है। आप सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं आपके स्तर पर। हालांकि यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है, और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार न्योछावर कर रहे हैं, वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढें। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है। सफलता आपके साथ है। पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा। लंबित मुद्दों का हल मिलेगा। अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है, तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अभी इसे छोड़ डेक दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं, तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ेगा, और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे माइग्रेन या अत्यधिक टेंशन का सामना अकारण पड़ सकता है। सबसे अच्छा उपाय दिन की शुरुआत एक्सरसाइज, योग या ध्यान से करना रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से मजबूत बने रहेंगे। तनाव को अपनी मानसिक शांति को भंग करने न दें, फिर आपका दिन कहीं अधिक सफल होगा। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हम सफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हम सफर इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक रहेंगे। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। आप आजकल हर किसी की नजर में हैं, मां जल्दी ही आप अपने दुश्मनों को पहचान जाएंगे। इनसे निपटते हुए सावधान रहें, क्योंकि ये लोग आपको भड़काकर आपको गलत साबित करना चाहते हैं। यदि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा हो, तो पीछे हट जाएं। हालांकि आपको कोई ऐसा भी मिलेगा जिस पर आप यकीन कर सकते हो। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें, आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। आप अपने प्यार को ढूंढने के लिए काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब तक तलाश पूरी नहीं हुई है। लेकिन आपके खास दोस्तों में ही कोई ऐसा है जो आपको प्यार करता है, लेकिन उसने आपको अभी तक इस बारे में बताया नहीं है। हो सकता है उन्हें आपसे इनकार का डर हो, या वे चाहते हो कि पहले आप प्रपोज करें,
उनके साथ कुछ समय और बताएं और आपको उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता मालूम हो जाएगा और व्यापार में आपको मन मुताबिक लाभ मिल सकता है। सभी के साथ आपको तालमेल बनाकर चलना होगा और आप बिजनेस की किसी योजना में निवेश करने के लिए आप धन उधार ना लें और आप अपनी जिम्मेदारियां को समय रहते पूरा करें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपने अपने रूटीन में यदि आपने बदलाव किया तो वह आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। आप अपनी सूझबूझ से सहजता से नौकरी में कामों को निपटाएंगे तो आप किसी गलती के होने से बचा सकते हैं। आपको किसी विरोधी की चालों में आने से बचना होगा क्योंकि वह इस समय तरह तरह के चल चलेंगे और आपको गलत सलाह देंगे। किसी की भी कोई भी सलाह मानने से पहले अच्छे से सोच विचार कर ले, फिर उनकी सलाह माने तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। आज का दिन आपके लिए कला कौशल में सुधार लेकर आएगा। आप अपनी बुद्धि व विवेक से काफी कुछ पा सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है और नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर फोकस बनाए रखना होगा। आपको उम्मीद से ज्यादा धन मिलने से आपकी खुशी दोगुनी होगी। आपको संस्कारों में परंपराओं पर पूरा ध्यान देना होगा। जो जातक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं उन्हें कोई सब सोचने और सुनने को मिल सकती है। आपकी अध्ययन और अध्यात्म के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यक्तिगत मामले आपके पक्ष में रहेंगे और आपकी सुख समृद्धि बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको निजी जीवन में आपकी खूब रुचि बढ़ेगी और किसी मकान दुकान आदि को खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण कुछ असुविधा होंगी और उनका ध्यान पढ़ाई से भंग हो सकता है। कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसलिए इस समय आप अपने सेहत के प्रति सचेत रहें, सावधान रहें। अगर इस समय छोटी मोटी भी समस्या हो तो आप उन्हें नजरअंदाज ना करें, नहीं तो वह समस्या बड़ी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकती है जिसे आप तुरंत आगे ना बढ़ाएं और आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। व्यवसाय में आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने प्रयासों में सफल रहेंगे जिससे आपका काफी काम आसानी से बन जाएंगे। मित्रों का आपको पूरा साथ मिलेगा। गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए वह वरिष्ठ सदस्यों से मदद ले सकते हैं। आज आप जिस किसी से भी मदद मांगेंगे तो आपको मदद बड़े आसानी से मिल जाए, चाहे वह मदद रुपए पैसे का हो, धन दौलत का हो या फिर कोई अन्य। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं के वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। व्यवसाय में आप अपनी योजना को पकड़ कर रखें और उनमें अच्छा धन लगाएं, जिससे भविष्य में आपको अच्छे प्राप्ति होगी। जीवन साथी के लिए आप कुछ नए वस्त्र व आभूषण आदि लेकर आ सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोग कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे उनके बॉस भी उनके कामों से प्रसन्न रहेंगे। आपको कोई पुरानी लेन देन की समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी साख सम्मान में वृद्धि होगी। आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेंगे और कुछ नए कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपने यदि किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे समय रहते निभाएं। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपको व्यापार में कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आज का दिन आपके लिए खर्च से भरा रहने वाला है। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ ठगी और सफेदपोश लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और आप अपने सहयोगियों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे और रिश्तों को अहमियत देंगे, लेकिन आप किसी काम को धैर्य से करें, नहीं तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। यदि आप किसी काम को लेकर लेन देन कर रहे हैं तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने स्पष्ट रखें
और लिखा पढ़ी करके करें, नहीं तो बाद में आपको झूठा साबित किया जा सकता है। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी से धन उधार लेने से बचें, नहीं तो बाद में समस्या होगी। दोस्तों, अगर खास उपाय की बात करें तो घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। जी हां, सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना है और भगवान को फूल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी इच्छा भगवान से कहें, भले किसी को पता चले आना चले, लेकिन भगवान को पता चल ही जाता है। और ऐसा नियमित रूप से करने से आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में फिर से वही खुशियों की उजाला होने लगेगा जो खुशियां पहले आपके जीवन में थी।